वीडियो में आपसे बात करूंगा, आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हो चाहे आपका फाइनल का एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। क्योंकि वीडियो में गुवाहाटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है आपका एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर आपके एग्जामिनेशन को लेकर। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि एग्जाम्स को लेकर हेल्पफुल हो सकता है। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बजाओ ताकि आप लोग को अपडेट्स मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ये यहाँ पे देख सकते हो डेट 22/8/2020 यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर मतलब SOP फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन बाय गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। या फिर जो आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से हो या गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी एफिलिएटेड कॉलेज है सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो वीडियो हर कोई देखना, ठीक है। तो नंबर वन पॉइंट में लिखा है जो भी प्रमोशन हो गया आपका इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट मतलब आपका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का अंडर ग्रेजुएशन, और आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपका सेकंड सेमेस्टर। जो आपका इंटरमीडिएट सेमेस्टर का प्रमोशन है वो आपका इंटरनल असेसमेंट मार्क्स और थ्योरी मार्क्स के बेसिस में होगा। जो भी आपका अर्लियर सब्जेक्ट हो गया अर्लियर सेमेस्टर हो गया उसके बिहाफ में आपका इंटरनल मार्क्स या फिर आपका प्रमोशन या फिर इंटरमीडिएट सेमेस्टर का किया जाएगा। लेकिन उनको जो भी उनका फॉर्म फिलअप्स हो गया ऑनलाइन फॉर्म फिलअप रखना पड़ेगा और या यूनिवर्सिटीज हो गया आपको प्रमोट कर देंगे अगर आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो, ठीक है। तो नंबर टू पॉइंट आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, फाइनल सेमेस्टर मतलब जो फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले उनका एग्जामिनेशन ब्लेंडेड मोड में होगा, मेंटेनिंग जो भी आपका COVID-19 का जो भी आपका सेफ्टी मेजर्स और UGC ने जो भी कहा है उसके मद्देनजर रखते हुए होगा। तो आपका जो SOP है एग्जामिनेशन का वो आपका होगा जो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, बाकी का जो 50% बचता है वो आपका इंटरनल असेसमेंट में होगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि मेंशन इन पॉइंट नंबर फोर, तो ये पॉइंट नंबर फोर में आपका रेस 50 मार्क्स का मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थ्री में। नंबर थ्री में लिखा है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए उसमें आपका जो भी सिलेबस है वो पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन जो आप स्टूडेंट्स एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए आपको बस 50% मार्क्स के लिए ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देखो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो आपका जो भी सब्जेक्ट है तो आपका उससे पूरा सिलेबस आएगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन दोगे तो आपको 50% मार्क्स के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मतलब एग्जाम देने जाओगे तो आपको समझ आएगा लेकिन आपका जो सिलेबस है वो आपका पूरा आने वाला है, ये समझ लो। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर फोर में। पॉइंट नंबर फोर में लिखा जो रेस 50% मार्क्स हो गया आपका वो आपके इंटरनल असेसमेंट के बेस में दिया जाएगा। 50% मार्क्स आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन और 50% मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट के बेस में। अब इंटरनल असेसमेंट आपका बहुत सारी चीज़ों से निकाला जा सकता है, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस हो गया, असाइनमेंट हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका अटेंडेंस हो सकता है। लेकिन अभी तो इस साल क्लासेस तो हुआ नहीं है तो मुझे लगता नहीं अटेंडेंस को काउंट करेंगे, लेकिन जो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के दिया जाएगा। लेकिन अगर एक बार आपके कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके पूछोगे कि ये इंटरनल मार्क आपको किस बेसिस में देंगे, असाइनमेंट के बेसिस में या प्रोजेक्ट के बेस में, तो आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बस एग्जांपल के लिए समझा दिया। पॉइंट नंबर फाइव है ये आपका जो भी हेड हो गया रेस्पेक्टिव एकेडमिक डिपार्टमेंट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का, उनके लिए ये चीज़ कहा गया, उनको रिक्वेस्ट किया गया कि जो भी आपका मोड हो गया उसको कैसे फाइनलाइज करेंगे, क्या क्या एक्शंस होगा, और जो भी आपका रिलेशन हो गया आपका कंसल्टेशन आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साथ किया जाएगा। तो नंबर फाइव वाला पॉइंट आपके लिए नहीं है बल्कि आपका जो भी हेड है आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो रेस्पेक्टिव एकेडमिक डिपार्टमेंट्स है उनके लिए, ठीक है। और तो स्क्रीनशॉट रखो लेकिन ये पॉइंट्स अब जरूर ध्यान से देखो और आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। आपने वो नोटिस देख लिया, ठीक है। तो जो भी था मैंने आपको एक्सप्लेन करने का 100% कोशिश किया, लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में जाके पूछो आपका डाउट्स, मैं आपको जरूर रिप्लाई हर किसी को देता ही हूं। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, जो भी एग्जाम्स देने वाले हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो भी सभी तक वीडियो को शेयर करो ताकि सबको हेल्प हो जाए और सभी को आइडिया लग जाए एग्जाम्स को लेकर, सब डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। और लाइक जरूर करना, लाइक करो ताकि वीडियो में जो भी देख रहे हैं उनको पता चले कि वीडियो में कुछ अच्छा जेन्युइन न्यूज और जेन्युइन कंटेंट है। तो लाइक जरूर करके सपोर्ट दिखा रहे हो, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बजाओ ताकि आप लोग का सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहे। तो यही था आज का वीडियो, देख लेंगे। शुक्रिया, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय।